तो गाइस एवेंजर्स एंड गेम के बाद हम फैंस ने मार्वल स्टूडियोज से कहा था कि कैप्टन अमेरिका की एक सीरीज निकाले जिसमें वो इन्फिनिटी स्टोन्स को वापस अपनी जगह पर रखकर टाइमलाइन को फिक्स कर रहे हैं, पर मार्वल ने कैप्टन अमेरिका की जगह लोकी को इस काम के लिए चुना। लोकी का ऑफिशियल ट्रेलर हमारे सामने आ चुका है और ये ट्रेलर यहाँ हमें क्लियरली बता रहा है कि एवेंजर्स एंड गेम में जो चीज एवेंजर्स ने किया उसको ठीक करने की जिम्मेदारी अब लोकी की है। टॉम हिडलस्टन के लोकी मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के सबसे पॉपुलर कैरेक्टर्स में से एक हैं और हम फैंस ये जानकर बहुत खुश हैं कि हमें लोकी का और भी एक्शन दिखना बाकी है, लेकिन ये वाला लोकी लोगों को फिर से धोखा देगा, मोबियस की जॉब को खतरे में डालेगा, हिस्ट्री में थोड़े और चेंजेस करेगा और इन सबके बाद प्रेसिडेंट बनने के लिए इलेक्शंस में भी उतरेगा। तो गाइस मैं हूं अमन सिन्हा और आज मैं ब्रेक डाउन करने जा रहा हूं लोकी के ऑफिशियल ट्रेलर का, तो स्पॉयलर्स का ध्यान रखते हुए चलिए शुरू करते हैं। तो ट्रेलर को देखकर कुछ चीज़ें बिल्कुल क्लियर हैं। एवेंजर्स एंड गेम में एवेंजर्स ने दुनिया को बचाने के लिए जो किया उन इवेंट्स की वजह से लोकी टेसरेक्ट लेकर वहां से चला गया, जो कि कायदे से नहीं होना चाहिए था, और इसीलिए टाइम कीपर्स की टाइम वेरियंस अथॉरिटी यानी टीवीए के एजेंट्स लोकी को पकड़कर ले आए, क्योंकि उसके इस एक्शन से आगे की टाइमलाइन में कई सारी ब्रांचेस आ गई और अब लोकी टाइम वेरियंस अथॉरिटी के हाई रैंकिंग ऑफिशियल मोबियस के साथ मिलकर टाइमलाइन को फिक्स करने निकलेगा। पर हम सब जानते हैं कि ये लोकी किसी का सगा नहीं है, मतलब लिटरली ये थॉर और ओडिन का भी सगा नहीं है, और यहाँ वो ये बात और अच्छे से बताएगा टीवीए को धोखा देके और अपने लिए फेवरेबल सिनेरियो बना के। तो आप सोच रहे होंगे कि लोकी के साथ ऐसा क्यों हो रहा है, टीवीए क्या है, मोबियस कौन है और टाइमलाइन में इतनी सारी ब्रांचेस कहाँ से आ रही हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं लोकी की। जो पिछला लोकी था वो एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर की शुरुआत में ही थैनोस के हाथों मारा गया, और एवेंजर्स एंड गेम में जब टोनी और स्कॉट टेसरेक्ट लेने गए तब उनका प्लान वैसा नहीं गया जैसा जाना चाहिए था और टेसरेक्ट लगा 2012 के मार खाए हुए लोकी के हाथ, और उसने वही किया जिस चीज की उससे उम्मीद थी। तो टेक्निकली अगर इस चीज से टाइमलाइन में अनस्टेबिलिटी और ब्रांचेस आते हैं तो इसमें गलती टोनी और स्कॉट की है, क्योंकि ओरिजिनल टाइमलाइन में थॉर लोकी को आराम से लेकर एसगार्ड चला गया था। अब मैं बताता हूँ कि टाइम वेरियंस अथॉरिटी क्या है। टाइम वेरियंस अथॉरिटी यानी कि टीवीए बढ़ते हुए मल्टीवर्स में कई सारी रियलिटीज को मैनेज करते हैं। इनका काम है टेम्पोरल इंटरफेरेंस को कम से कम रखना, जैसे यहाँ लोकी का एक्शन बहुत ज्यादा अनस्टेबिलिटी और इस टाइमलाइन में ब्रांचेस ला रहा है, तो टीवीए का काम इस तरह की अनस्टेबिलिटी को कम से कम रखना है। टीवीए बिलोंग करता है टाइम कीपर्स को, जिनके स्टैचू हमें ट्रेलर में भी दिखे। टाइम कीपर्स किसी भी टाइमलाइन में कुछ की इवेंट्स को सेफ रखते हैं ताकि उनको एक सर्टेन फ्यूचर मिल सके। इस सर्टेन फ्यूचर में ही टाइम कीपर्स का इंटरेस्ट है और इसीलिए टाइम वेरियंस अथॉरिटी ये सारे काम करती है। मोबियस टाइम वेरियंस अथॉरिटी के हाई रैंकिंग ऑफिसर्स में से एक है। कॉमिक्स में इस कैरेक्टर का सबसे ज्यादा सामना हुआ फैंटास्टिक फोर से, पर यहाँ मोबियस की जिम्मेदारी है लोकी के साथ मिलकर टाइमलाइन में बनी ब्रांचेस को खत्म करने की। तो अब बात करते हैं इन ब्रांचेस की। तो हमने ट्रेलर में देखा कि 2012 के लोकी के टेसरेक्ट लेकर भागने से उस टाइमलाइन की स्टेबिलिटी खराब हो गई है, जो कि हम नोटिस कर सकते हैं टाइमलाइन के जिगजैग होने से, और इस अनस्टेबिलिटी की वजह से ब्रांचेस बन रही है और आसपास के टाइमलाइन पर भी इसका असर हम देख सकते हैं बेंडिंग के फॉर्म में। अब आइए अपन ब्रांचेस समझते हैं। तो ध्यान दें कि ओरिजिनल टाइमलाइन में 2012 के बाद लोकी और टेसरेक्ट के साथ हुआ क्या क्या। लोकी को थॉर एसगार्ड ले गया, टेसरेक्ट को ओडिन के वॉल्ट में रख दिया गया और लोकी को एसगार्ड के जेल में डाल दिया गया। अब यहाँ निकल के आता है पहला मेजर ब्रांच। आपने देखा ही होगा कि जब कर्स जेल से निकलता है तो लोकी उसे आगे जाने का रास्ता बताता है और कर्स एसगार्ड के सेफ्टी फील्ड को डिसेबल कर देता है, जिसकी वजह से मेलेकिथ और उसके सोल्जर्स एसगार्ड पर अटैक कर पाते हैं और फ्रिगा मारी जाती है। अगला मेजर ब्रांच आता है जब लोकी ओडिन की जगह लेकर सिफ और वोल्स्टैक को एथर को कलेक्टर के पास रखवाने को भेजता है। तीसरा मेजर ब्रांच आता है लोकी के टेसरेक्ट चुराने से, और ये चीज लिटरली रिस्पॉन्सिबल है थैनोस के हाथ टेसरेक्ट लगने और फाइनली स्नैप होने के। थैनोस का स्नैप यूनिवर्सल इवेंट था, तो जितने शॉर्ट टर्म चेंजेस होंगे उतने छोटे ब्रांचेस बनेंगे, पर जितने मेजर इवेंट होंगे उतने बड़े ब्रांचेस बनेंगे, और इन ब्रांचेस के रिजल्ट की झलक हम ट्रेलर में देख ही सकते हैं, जहां एक पॉइंट पर हमने ऐसी टाइमलाइन भी देखी जिसमें न्यूयॉर्क पूरी तरह तबाह हो चुका था। यहां हम एवेंजर्स टावर भी देख सकते हैं, ऑल्दो ये तबाही 2017 से पहले ही हुई होगी क्योंकि उसके बाद एवेंजर्स टावर शिफ्ट कर दिया गया था। दूसरी टाइमलाइन जहां लोकी प्रेसिडेंट बनने के लिए इलेक्शन में खड़ा होगा, एक टाइमलाइन जहां लेडी लोकी या एनचेंट्रेस दिखेगी। मुझे पहले ऐसा लगा कि लोकी वॉर्मिर पर नताशा से मिल रहा है, पर वॉर्मिर पर नताशा ऐसे नहीं दिख रही थी। ऊपर से सेट फोटो से क्लियर है कि ये कैरेक्टर सोफिया डी मार्टिनो का कैरेक्टर है और ये जगह वही जगह है जहां ट्रेलर में लोकी भाग रहा होता है। तो एक इवेंट का इतना बड़ा असर होगा तो ऑब्वियसली टाइम स्ट्रीम को मैनेज करने वाले तो इन्वॉल्व होंगे ही। अब नजर डालते हैं ट्रेलर के जबरदस्त शॉट्स पर। ट्रेलर में दिखाया गया टाइम वेरियंस अथॉरिटी का ऑफिस
बहुत हद तक हमें अम्ब्रेला अकेडमी में दिखने वाले टाइम ट्रेवल ऑपरेटिव जैसी फील दे रहा था। ऑल्दो टेक्निकली ऐसा कहा जा सकता है कि अम्ब्रेला अकेडमी इंस्पायर्ड है मार्वल कॉमिक्स से, क्योंकि टाइम वेरियंस अथॉरिटी और टाइम कीपर्स के बारे में 1976 के थॉर कॉमिक्स में हमने सबसे पहले सुना था। ट्रेलर में एक पॉइंट पर लोकी से उसके बोले हुए सारे शब्दों वाले डॉक्यूमेंट्स पर साइन करवाया गया। ये सीन जितना फनी है उतना मैं ये सोच रहा हूँ कि लोकी, जो कि 1000 साल से भी ज़्यादा एज का है, उसकी बातों की स्टैक इतनी छोटी नहीं हो सकती। एक शॉट में मोबियस लोकी को टेसरेक्ट चुराते हुए दिखा रहा है। अब ये बात ठीक है कि लोकी को यहाँ पकड़कर लाया गया है, पर एवेंजर्स ने टाइम ट्रैवलिंग करी है और उस टाइम ट्रैवलिंग के दौरान और भी ब्रांचेस बनी होंगी, उनका क्या। प्लस लोकी मोबियस को कह तो रहा है कि वो उसको स्टैब नहीं करेगा, पर ये चीज़ इस बात को और कन्फर्म करती है कि वो उसे पक्का स्टैब करेगा, वो भी पीठ में। लोकी को यहाँ वेरिएंट कहा जा रहा है क्योंकि उसके एक्शन ही टाइमलाइन की हालत के लिए जिम्मेदार होंगे। टेक्निकली देखा जाए तो हम सब वेरिएंट हैं जिनके एक्शंस आने वाले फ्यूचर को चेंज करते हैं। ट्रेलर में हमें रॉक्स कार्ट भी दिखा, जो कि सब डिवीजन है रॉक्सॉन कॉरपोरेशन का। रॉक्सॉन कॉरपोरेशन मार्वल कॉमिक्स के उन बिजनेस कॉरपोरेशन में से एक है जो कि अपने प्रॉफिट के लिए कई सारे इलीगल काम करते हैं, और ये लोग हमें एमसीयू में भी कई जगह दिख चुके हैं। पर शायद लोकी सीरीज में हमें इसका प्रेसिडेंट डैरियो एगर भी दिखे, जो कि थॉर कॉमिक्स का विलन रह चुका है। हमें ट्रेलर में एक मिस्टीरियस जगह भी दिखी जिसे देखकर अगाथा के केव की वाइब आ रही है, लेकिन अभी हमें नहीं पता कि ये जगह कौन सी है। शायद ये इस सीरीज के मिस्टीरियस विलन का घर हो सकता है। रिसेंटली ये बात सामने आई कि मोस्ट प्रोबेबली इस सीरीज की विलन एंचेंट्रेस है, जो कि बैकग्राउंड में कुछ उल्टे काम कर रही है, पर अभी कुछ कंफर्म नहीं है। ऑल्दो आपको मजाक लगेगा, पर लोकी सीरीज की पिछली एक्सक्लूसिव क्लिप में हमें फिर से मेफिस्टो का हिंट दिखा था, तो फिर से मेफिस्टो को लेके उल्टी सीधी फैन थ्योरी बनाना शुरू करना पड़ेगा। ट्रेलर में लोकी अपनी मैजिकल पावर्स यूज कर पा रहा है, ये चीज पहले से अलग है। नॉर्मली हमने लोकी को वेपन से यूज करते हुए देखा है, जो कि वो ट्रेलर में भी यूज कर रहा है, पर ये नजारा कुछ अलग है। ट्रेलर के एक शॉट में हमें लोकी एसगार्ड के थ्रोन रूम में दिखता है। मे बी ये सीरीज के एंड का नजारा हो, जहां लोकी पूरी टाइमलाइन को स्टेबलाइज करके वापस अपने विलन वाले रोल में एमसीयू में फिर से आ गया हो। ऊपर से मैं यहाँ थॉर का कैमियो भी एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, क्योंकि थॉर लव एंड थंडर के सेट इमेजेस से कहीं ना कहीं ये क्लियर है कि लोकी उस मूवी में नहीं है। प्लस ये सीरीज डायरेक्ट जुड़ेगी डॉक्टर स्ट्रेंज द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस से, तो डॉक्टर स्ट्रेंज का तो पता नहीं, पर स्कारलेट विच के दिखने के चांसेस यहाँ बहुत ज्यादा हैं, खासकर तब जब टीवीएस स्कारलेट विच जैसे नेक्सस बींग्स पर अपनी कड़ी नजर रखते हैं। ये सीरीज देखने में थोड़ी डिफरेंट साबित हो सकती है, क्योंकि ये मोस्टली शूट हुई है पैंडेमिक के दौरान, तो समझ ही जाओ कि सोशल डिस्टेंसिंग का असर तो दिखेगा ही। प्लस एक और खुशी की बात यह है कि शैंगची का ट्रेलर जल्दी ही आने वाला है। प्लस मैं ब्लैक विडो का भी ट्रेलर ब्रेकडाउन करता, पर मैं ऑलरेडी 2 बार वो कर चुका हूँ। हालांकि मुझे ऐसा लग रहा है कि उसका विलन रेड गार्डियन होगा, पर अभी कुछ नहीं कह सकते। ऊपर से ब्लैक विडो की रिलीज डेट अब कन्फर्म है, क्योंकि इस बार बेशक अगर कोई इस मूवी को हॉल में नहीं भी देख पाया तो आप डिज्नी प्लस पर एडिशनल कॉस्ट पे करके उसे देख सकते हो। ये सेफ्टी को देखते हुए एक अच्छा ऑप्शन है। तो गाइस ये था ब्रेकडाउन लोकी सीरीज के ऑफिशियल ट्रेलर का। ये सीरीज भी वांडा विजन की तरह थोड़ी डिफरेंट पर जबरदस्त होने वाली है, पर फिर भी अगर उससे कोई डिटेल मिस हो गई हो या आपको उसके नया फैक्ट है इस वीडियो से रिलेटेड, तो प्लीज हमें कमेंट में जरूर बताएं या हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पर हमारे साथ शेयर करें। हम हर जगह हैं। तो गाइस अगर आप थॉर और उसके साथियों को कॉमिक्स में एक्शन में देखना चाहते हैं, तो मैं आपको हमारी द माइटी थॉर कॉमिक सीरीज रेकमेंड करूंगा। साथ ही साथ अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और ऐसे कई सारे सुपर कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू गाइस, दिस इज अमन सिन्हा एंड यू आर सुपर सुपर पीस।